हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस सभी बल्ब को रिपेयर करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है और ये किस तरह से रिपेयर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक होल्डर की आवश्यकता है और ये बल्ब जो है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सही है। तो ये बल्ब जो है वर्क कर रहा है और अब हम इसको देखते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बल्ब है नहीं जल रहा है और ये जो बल्ब है ये भी नहीं जल रहा है, हल्का हल्का जल रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और एक ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल भी नहीं जल रही है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का ढक्कन खोल लेते हैं। तो पहले हमें देखना है कि कहीं LED तो ख़राब नहीं है, तो इसको हम इसमें लगा लिए फ्रेंड्स। और अब हम मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और इसको DC वोल्ट पर रखते हैं 200 पे, और इसको हम यहाँ से चेक करेंगे इसका वोल्टेज कितना है, इस तरह से कि इसमें लाइन आता है या नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी लाइन नहीं आ रहा है, यानी कि इसका जो है पहले हमें ड्राइवर चेक करना है। और इसका देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, ये जल नहीं रहा है। तो इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें लाइन आता है या नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ड्राइवर जो है वो वर्क कर रहा है पर इसका LED चिप में प्रॉब्लम है। तो इसको हम शॉर्ट करके भी देख सकते हैं इस तरह से कि इसका कौन सा LED ख़राब है। से अधिक LED ख़राब हो तो इसके वजह से भी एक LED शॉर्ट करने पे नहीं जलता है, इसलिए हम इसका ये जो है चेंज कर देंगे। और इसको देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये तो जल रहा है फ्रेंड्स, पर ये थोड़ा सा रुक के जलता है, तो इसका ड्राइवर में फॉल्ट है। तो इस तीनों का जो है बल्ब को हम अब रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वोल्टेज नहीं आ रही है कुछ भी। देखिए फ्रेंड्स, अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो पहले हम इसका ड्राइवर को खोल लेते हैं। तो ड्राइवर को खोलने के लिए यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हमने हटा लिया फ्रेंड्स। और अब हम इसको यहाँ से निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर आ गया और अब हमें इसको चेक करना है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए हमें लेना है सीरीज कनेक्शन। तो ये रहा हमारा स्विच कनेक्शन, देखिए फ्रेंड्स। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है चेक करने के बाद ये प्रॉपर वर्क कर रहा है और स्विच भी ओके है, यानी कि इसका जो प्रॉब्लम था वो इस में प्रॉब्लम हो या फिर ये जो है तार ये ब्रेक हो, जिसके वजह से ये बल्ब नहीं चला। तो इसका तो ड्राइवर प्रॉपर ओके है। अब हमें दूसरा देखना है, तो दूसरा ये वाला है फ्रेंड्स, जिसमें कि वोल्टेज तो आ रही है पर बल्ब जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो हम इसका बल्ब को चेंज करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लग गया है और अब हम इसको होल्डर में लगा के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन हम इसको ज़्यादा देर जला नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो प्लेट है इससे अटैच नहीं है। तो पहले अब हम इसको हीट सिंक की मदद से इसमें अटैच करके उसके बाद इसका नट जो है वो कस देते हैं। और जोड़ने के बाद अब हम इसको जला के देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अब हम देखते हैं इस बल्ब में, क्योंकि ये जो है तो इसका जो है ड्राइवर में प्रॉब्लम है, या जलता है और बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा।
तो हम पहले इसको यहाँ से हटा लेते हैं। निकालते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें चेक करना है कि इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, पहले इसको हिला के देखना कि हिलता तो नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा। यहाँ पे जो है एक तार ब्रेकेज है जो कि प्रॉपर सोल्डिंग नहीं है, तो हो सकता है ये इसका है, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। और एक वायर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है जो कि ये देखिए हिलता है, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम पहले इस दोनों को प्रॉपर सोल्डिंग कर लेते हैं। और एक तार यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कैपेसिटर वाला, ये तार भी देखिए हिलता है, तो इस तार को भी हमें प्रॉपर सोल्डिंग करना है। और अब हमें इसको चेक करना है चला के, ये जलता है या नहीं जलता है। तो इसको अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लाइन देते हैं दोनों में, तो देखिए अब ये जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हम इसको इसमें लगा देंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ दो तार कनेक्ट करना है। तो इसमें यहाँ पे फॉल्ट था और यहाँ फॉल्ट था, और ये जो वायर है यहाँ पे फॉल्ट था, ये तीन जगह से वायर जो था लूज था, जिसके वजह से ये बल्ब जो है ब्लिंक कर रहा था। और अब इसका दूसरा वायर भी इसमें लगा लेंगे इस तरह से। ये प्रॉपर दोनों सोल्डिंग हो चुका है। और अब हम इसको इसमें जो इसका हाउसिंग था इसमें इस तरह से लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसको यहाँ से टाइट करके घींच लेंगे, और इसको जो है इसी तरह से इसमें अच्छी तरह से टाइट करके बैठा के। और ये जो है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ से इसको निकालना है, ये वाला कैप को। तो इसमें जो ये वायर है, पहले हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं फटाफट। और अब हमें इसको जो है इसमें लगाना है इस तरह से। ये बन चुका है, अब हम इसको करते हैं टेस्टिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये प्रॉपर चल रहा है और ये बंद भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहीं समझ में नहीं आए तो वो भी कमेंट करें, जिससे कि हम उस पर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।